Guys, welcome to the free UPSC preparation. We are doing public administration lecture series, and basically we are covering about administrative law, and lecture 46 will be based on Dicey on administrative law. आप सब लोगों के लिए एक नई information है कि आप मुझे अनअकैडमी पे भी follow कर सकते हैं. आपको कोई pay नहीं करना है वहां पर, just आपने अनअकैडमी learning app download करनी है एंड वहां पर आपको मुझे फॉलो करना है. वहां पर आप मेरे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं, जैसे पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव, सो वो चीजें आप देख सकते हैं. ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प रहेगी. आपको कुछ भी पे नहीं करना है, सो डोंट वरी कि मैं वहां पर जाकर के पेड कोर्सेज बना रही हूँ. ठीक है, एंड जो हमारे इस चैनल पे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या अदर जो भी कोर्सेज कंटिन्यू रहेंगे, हमेशा रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे आप लोगों के लिए. सो डोंट वरी, वो आप लोगों के लिए एक सप्लीमेंट रहेगा फॉर योर प्रिपरेशन. ओके, लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. सो बट आपको इस चैनल को, फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन को, जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को, कमेंट करना है अगर आपकी कोई क्वेरी है तो. एंड वन थिंग, बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं दैट आई साउंड लाइक ए किड. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट ए किड. ठीक है, आई हैव डन मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नाउ आई एम गोइंग टू परस्यू माई पीएचडी इन एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो डोंट वरी, आई एम नॉट ए किड. बच्चे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, सो यू कैन ट्रस्ट माई नॉलेज एंड यू कैन ट्रस्ट फ्री यूपीएससी प्रिपरेशन. लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर. डाइसी है कौन? ये डाइसी, ठीक है, ही इज अ वेल नोन इंग्लिश ज्यूरिस्ट. इंग्लैंड के रहने वाले हैं, इंग्लिश ज्यूरिस्ट हैं बेसिकली. एंड इन्होंने एक बुक लिखी थी, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिकली दो चीजें हैं, आपने दो चीजें ध्यान में रखनी है. पहली तो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और दूसरी है रूल ऑफ लॉ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है कि जो भी सरकारी नौकरी वाले पर्सन हैं, जिनके पास गवर्नमेंट जॉब्स हैं, या स्टेट ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए अलग कानून है, और जो साधारण आम आदमी है, मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन है, उनके लिए अलग रूल है. ठीक है, ये तो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, सिंपल टर्म्स में बता रही हूं मैं. एंड रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि सबके लिए, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे ऑर्डिनरी सिटीजन हो, सबके लिए एक समान कानून है, वो क्या है, रूल ऑफ लॉ. ठीक है, सो बेसिकली डाइसे ने क्या किया है, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम सिविल सिटीजन के लिए अलग कानून, स्टेट ऑफिशियल के लिए अलग कानून, उसके खिलाफ गए हैं वो, उसके अगेंस्ट भी बोला है उन्होंने, और रूल ऑफ लॉ को प्रमोट किया है. उन्होंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव. आपने नेपोलियन के बारे में सुना होगा, फ्रांस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी हद तक उन्होंने, मतलब काफी चेंजेस लेकर के आए थे वो, नेपोलियन जो थे. सो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, डाइसी ने उनको आइडेंटिफाई किया है विद द पार्ट ऑफ फ्रेंच ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव. मतलब फ्रांस में क्या है, एज वी नो, जब हमने अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल वाला चैप्टर किया था, देन हमने डिस्कस किया था कि फ्रांस के अंदर अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं. अगर स्टेट ऑफिशियल का कोई केस है, कोई करप्शन केस है, ठीक है, या कोई क्रिमिनल केस है, सो बेसिकली ऑर्डिनरी कोर्ट्स उनको डील नहीं करते हैं, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं जो उन केसेस को डील करते हैं, जहां पर ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल कोई क्राइम करता है या कोई केस है, तो वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट से डील किया जाएगा. मतलब बेसिकली क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया ये, कि स्पेशल लॉ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल्स, एंड ऑर्डिनरी कोर्ट्स फॉर ऑर्डिनरी सिटीजंस. ओके, सो यहाँ पर डाइसी उसको रेजिस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, और क्या कहते हैं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए. सो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव, आई होप इट इज क्लियर टू यू. अकॉर्डिंग टू विच एक्शंस बाय सिटीजंस अगेंस्ट ऑफिशियल फॉर रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी आर ट्राइड नॉट बाय ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ बट बाय स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स. कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑफिशियल ने सिटीजंस के खिलाफ जाकर के कोई एक्शन लिया है, और सिटीजंस चाहते हैं कि उस ऑफिशियल के खिलाफ अब एक्शन लिया जाए, ठीक है, तो वो कहां पर जाएंगे, ऑर्डिनरी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी, उनको स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स जाना होगा. सो बेसिकली क्या है, डाइसे डिस्क्राइब administrative law as contrary to the rule of law. Administrative law means two different law for two different administration के लिए अलग है, citizens के लिए अलग है, and rule of law सबके लिए एक समान कानून है. जब हम सुनते हैं तो हमें भी ये लगता है कि नहीं, डाइसी बात सही कहते हैं कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, लेकिन जैसे फर्दर हम स्टडी करेंगे तो हमारी जो कंफ्यूजन है या जो परसेप्शन है ये क्लियर होता जाएगा. ओके, सो फर्स्ट हम ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव की फीचर्स देख लेते हैं, अदर वर्ड्स में कहूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के फीचर्स देख लेते हैं. तो पहली बात तो ये, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रांस के अंदर था. सो ऑर्डिनरी कोर्ट्स डू नॉट हैव ज्यूरिसडिक्शन इन विच द स्टेट और स्टेट ऑफिशियल इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टी.
ऑर्डिनरी कोर्ट के पास पावर ही नहीं है कि वो स्टेट और स्टेट ऑफिशियल के खिलाफ कोई एक्शन ले सके, चाहे उन्होंने कुछ भी कर दिया हो, ऑर्डिनरी कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकता. एंड द सेकंड थिंग इज दैट द राइट्स ऑफ स्टेट्स ऑफिशियल्स आर डिटरमाइंड बाय अ स्पेशल बॉडी ऑफ लॉ एंड रूल्स विच आर नॉट एप्लीकेबल टू द सिटीजन. जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, जो स्टेट ऑफिशियल्स हैं, बेसिकली उनके लिए रूल नए बनते हैं, स्पेशल रूल्स बनते हैं, और रूल बनाने वाली बॉडी भी एक स्पेशल ही होती है, ओके, जो आम आदमी पे लागू नहीं होते हैं. A special protection was accorded to its official in France for wrongful act done in their official capacity. अलग से प्रोटेक्शन है, ठीक है, जैसे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बना दिए, अदर काफी सारे स्पेशल प्रोटेक्शन दिए गए हैं टू इट्स ऑफिशियल इन फ्रांस फॉर रॉन्गफुल एक्ट डन इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी. सो ये बात हुई ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव की. नाउ विल कम टू द रूल ऑफ लॉ. ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्लियर है आप लोगों के लिए, रूल ऑफ लॉ देखते हैं क्या है आगे. फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ, ये क्या कहते हैं कि जो साधारण कानून है, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ जो है, उसकी एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी है. चाहे कोई भी क्यों ना हो जाए, आपको रूल फॉलो करना ही करना है, ठीक है. सेकंड थिंग इज दैट इक्वलिटी बिफोर द लॉ फॉर बोथ ऑफिशियल्स एंड नॉन ऑफिशियल. चाहे आप प्रेसिडेंट हो, चाहे आप ऑफिसर्स हो, चाहे आप क्लर्क हो, चाहे आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन हो, चाहे आप एक फार्मर हो, कानून सबके लिए बराबर है. आप कानून के लिए सब बराबर हो, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कानून की नजर में आप सब एक हो, सब बराबर हो. ओके, थर्ड थिंग इज दैट द प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल विच कॉन्स्टिट्यूट द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंस्टेड ऑफ लेटर बीइंग द सोर्स ऑफ फॉर्मर. द थिंग इज दैट कि जो राइट्स ऑफ इंडिविजुअल होते हैं, द प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, सो बेसिकली क्या है कि द प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए क्या चीज है, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल बेसिक है, ठीक है. सो इट इंस्टेड लेटर बींग द सोर्स ऑफ द फॉर्मर, कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको फॉलो करके चलना है, कोई भी लॉ को या कोई भी कानून को उल्लंघन करके नहीं जा सकता. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ. फर्दर देखते हैं, अब डाइसी के बारे में पढ़ते हैं. सो डाइसी का मानना था कि कोई भी ऐसा सेपरेशन नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी सच अ सेपरेशन वेयर देयर इज वन लॉ दैट गवर्न द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल ऑफिशियल्स. ये दो चीजें ध्यान से समझिएगा कि सेपरेशन नहीं होना चाहिए. कैसा सेपरेशन नहीं होना चाहिए कि एक कानून तो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल ऑफिशियल के लिए है, एंड वन दैट गवर्न्स द सोसाइटी एंड पीपल, दूसरा जो है वो सोसाइटी और लोगों के लिए है. सो ये सेपरेशन नहीं होना चाहिए. उन्होंने क्या कहा था, ही एडवोकेटेड द रूल ऑफ लॉ एज प्रेवलेंट इन द यूके, जहां पर एवरीबडी वॉज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ and only one common law governed each and every individual. कि सबके लिए बराबर law हो, बराबर कानून हो, बराबर law हो, so equal होना चाहिए. ठीक है, I hope it is clear to you, but still कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं. He was heavily criticized. Criticism होता है इसका बहुत. क्यों होता है कि जिस का example उन्होंने दिया है, UK का example दिया है, but वो ये भूल गए कि जो crown है UK के अंदर, ठीक है, वो बेसिकली इम्यून फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग. सो अगर यूके के अंदर रूल ऑफ लॉ है, तो मतलब जो क्वीन है या जो क्राउन है, वो भी इम्यून नहीं होनी चाहिए. वो भी तो साधारण जो कानून है उनके आगे, मतलब रूल ऑफ लॉ वहां पर भी फॉलो होना चाहिए. लेकिन अगर क्राउन कोई भी क्राइम करता है, तो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग से कंप्लीटली इम्यून है वो, उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं होगी. सो ही वॉज क्रिटिसाइज फॉर दिस लेटर एज बींग नॉट as he did not take into account that even the crown in UK has was immune from civil and criminal proceedings. तो वो ये चीज़ भूल गए कि जिसका example आप दे रहे हो, वो example ही गलत है, ठीक है. Second thing is that he was also criticized for not taking into account the future issues. अब जो situation 18th century के अंदर थी, वो situation 21st century के अंदर नहीं है, obviously. So future issues कहने का मतलब ये है कि जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, मॉडर्नाइजेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो चेंज आया है, ठीक है, जैसे जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का टॉपिक है, कॉम्प्लेक्सिटी आई है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सो यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि ऑफिशियल्स के लिए अलग कानून हो और नॉन ऑफिशियल के लिए अलग कानून हो. कार्ल मार्क्स का आपने नाम सुना होगा, ठीक है. सो कार्ल मार्क्स भी डाइसी की जो रूल ऑफ लॉ है, इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये इनइक्वलिटी प्रमोट करता. आप तो कहते हो कि रूल ऑफ लॉ तो इक्वलिटी लेकर के आता है, नहीं, ये इनइक्वलिटी क्रिएट करता है. क्योंकि आप ये चीज समझो कि जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, अगर आप एक गरीब को और एक रिच आदमी को सेम वे से ट्रीट करोगे, तो ऑब्वियसली इनइक्वलिटी लेकर के आ रहे हो आप. ओके, अगर आप इसको पॉजिटिव वे में देख रहे हो, तो ये सोचो ना कि एक तो गवर्नमेंट जॉब में है बंदा,
और एक साधारण आम आदमी, और दोनों को आप एक जैसे ट्रीट कर रहे हो तो काम कैसे चलेगा? ऑब्वियसली थोड़ा मतलब वेरी होना चाहिए चीजों के अंदर, वेरिएशन होना चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ इक्वालिटी, बिकॉज इफ यू ट्रीट अनप्रिविलेज्ड एंड पुअर, गरीब और अनप्रिविलेज्ड पर्सन को इक्वली ट्रीट करोगे विथ रिच, देन देर इज गोइंग टू बी ह्यूज डिस्पैरिटी दैट विल ओनली एक्सपैंड विद टाइम. आपने ये तो समझ लिया कि गरीब और अमीर को बराबर लेकर के आ रहे हो आप और इक्वालिटी लेकर के आया, लेकिन एक्चुअल में अगर आप प्रैक्टिकल टर्म में देखो ना, तो जो अनप्रिविलेज्ड एंड पुअर है, अगर आप उसको रिच के साथ इक्वल लेकर के आओगे, सो ऑब्वियसली इट क्रिएट अ ह्यूज डिस्पैरिटी एंड विल ओनली एक्सपेंड विद टाइम. मॉडर्न डे जो कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, हैज बीन गिवन अ वेरी ब्रॉड मीनिंग बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू अनइक्वल पीपल इन ऑर्डर टू इक्वल themselves with others. जैसे रिजर्वेशन दिया गया, अगर आप यहाँ पर इसको इस तरीके से समझ सकते हो, अगर आप ये कहो कि एससी एसटी को जनरल कैटेगरी के बराबर लेकर के आया जाए, तो हमें भी पता है कि एससी एसटी जनरल कैटेगरी से कम्पीट नहीं कर पाएगी, ठीक है. इसीलिए गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन दिया है, क्योंकि बहुत टाइम से हिस्टोरिकली वो चलता आ रहा है कि वो अंडर प्रिविलेज रहे हैं या वो रहे हैं, जो कुछ भी कह लो आप. सो यहाँ पर रिजर्वेशन का टॉपिक आता है. क्यों? रिजर्वेशन का टॉपिक उन हमसे अलग तो बनाता है, जनरल कैटेगरी से हमसे अलग तो बनाता है, लेकिन उनको एक नजरिए से अगर आप देखो तो हमारे बराबर लाने की कोशिश की जा रही है, जनरल कैटेगरी के बराबर लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है. सो बेसिकली अगर कई चीजें आपको अलग दिखती हैं, सेपरेशन है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव ही हो, वो सेपरेशन अच्छे के लिए भी हो सकता है, वो दो अलग अलग चीजें कुछ बेहतर के लिए भी हो सकती हैं. ओके, सो ये तो था उनका क्रिटिसिज्म और डाइसी के जो ओपिनियन थे रूल ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में. आई होप इट इज क्लियर टू यू, एंड स्टिल कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड अन अकेडमी पे फॉलो करना भी न भूलें, ठीक है. इंटरेस्ट में आप रिग्रेट नहीं करेंगे वहां पर जा करके, बहुत सारे ऑसम कोर्सेज मिलेंगे आपको. एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर.